प्रेम पर घिरे शाहिद आफरीदी भले ही क्रिकेट पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन नोटिस उनके अपने वतन पाकिस्तान से आ रही है, तो वहीं अपने लोग अब आफरीदी को कोस भी रहे हैं। कुछ दिन पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आए शाहिद आफरीदी ने यहाँ के फैंस से मिले प्यार को पाकिस्तान में मिले प्यार से भी ज्यादा बता दिया था। वहीं आफरीदी के इस बयान पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान जावेद मियांदाद दमदमा गए और उन्होंने शाहिद की जोरदार आलोचना करते हुए कह दिया कि शर्म करो। यही नहीं, पाकिस्तान में शाहिद के बयान के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल की जा चुकी है, जिसके बाद लाहौर कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा गया है। आफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने भारत में खेलने का जितना लुत्फ उठाया है उतना कहीं नहीं उठाया। विवाद बढ़ता देख शाहिद आफरीदी ने अपने बयान पर सफाई दी है, उनके बयान को गलत लिया जा रहा है। आफरीदी के मुताबिक पाकिस्तान के कई पूर्व कप्तानों का यही मानना है कि भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है और इससे जुड़े लोगों को काफी प्यार और इज्जत मिलती है। खैर, अब तो ये तय है कि शाहिद आफरीदी को अपने बयान पर कोर्ट को 15 तारीख तक जवाब देना होगा और मैच में अगर पाकिस्तान की हार होती है तो आफरीदी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं।